नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में कोई पुराना साइकिल है और उसका घंटी अगर ख़राब हो चुका है, पुराना घंटी, तो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, हमारा ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक प्लास लें, तोता प्लास, उसके बाद एक पेचकस लें, देख ही रहे हैं, उसके बाद एक 8 लो नंबर का रिंच लें। जी हाँ दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये 9 नंबर का नट है, इसे 8-9 इंच से आप खोल लें, ओपन कर लें। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसको नीचे रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपको घंटी बंद नहीं रहा, देखिए फंस रहा, देख रहे हैं, देखिए फंस रहा, फंस गया। इसको आपको कैसे ठीक करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। एक पेचकस लें, इस चीज़ को जो ये क्लिप है इसको धीरे से पकड़ो, एकदम आराम से, देखिए इस हिसाब से, देखिए इसको पकड़ना। उसके बाद ये जो नीचे से अपोजिट साइड में, देखिए मैं आपको देख रहे हैं, इसको धीरे से पकड़ना। उसके बाद ये जो है क्लिप, क्लिप का नीचे जो एक बार निकलता टन टन मारने वाला जो क्लिप है, उसको आपको नीचे से पेचकस को इस तरह घुसाना। तो घुसाने के बाद इसको धीरे से उठाना ऊपर तरफ। जी हाँ देखिए, मैंने उठा लिया है इसके। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको बजा करके देखना, उसके बावजूद भी अगर फंसता हो तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को जो है, जो दांता देख रहे हैं क्लिप का जो दांत है ये बड़ा वाला, जी हाँ, इसको धीरे से आपको जो है ना बाहर तरफ करना है। ये पेचकस का ये थ्रू होगा, ठीक है, ये पेचकस जो इस हिसाब से घुसा है अंदर, और एकदम इस तरह आस्ते से घुस, जैसे आप स्क्रू खोलते हैं उस हिसाब से, इस तरह हल्का सा, एकदम एकदम धीरे से हल्का सा उठाएं। तो ये देखिए बाहर तरफ जैसे आ रहा है, ये देखिए बाहर तरफ, बस ये जो बाहर तरफ आ चुका है। उसके बाद आपको इसको बजा करके देखना है कि क्लियर वाइज रखना है। देखिए हमारा ये एकदम क्लियर काम कर रहा है, बस। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, क्लियर बज रहा है। तो अगर आपके पास ऑयल है, जलाओ कोई भी मोबिल होना चाहिए गाड़ी का, समझे ना, जलाओ मोबिल, तो इसको हल्का हल्का 2 बूंद करके डाल दें। अगर जलाओ मोबिल नहीं है तो आप घर का जो रिफाइंड ऑयल है उसे भी यूज कर सकते हैं, नारियल ऑयल है उसे भी यूज करते हैं, कड़वा तेल है उसे भी यूज करते हैं, सरसों का तेल। जी हाँ देखिए, अब और चीज़ क्लियर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ये कटोरी लें जो आवाज़ देता है, सर ये नट को टाइट कर दें इस पर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने नट को पूरा फुल टाइट कर दिए हैं। उसके बाद आपको बजा के देखना है कि घंटी सही बज रहा कि नहीं। हमारा घंटी एकदम टन टन बज रहा है, यानी घंटी हमारा बन के रेडी है, बस दोस्तों। उसके बाद अगर आपका ये क्लिप जो है, घंटी का ये क्लिप अगर ढीला हो तो इससे आप कैसे टाइट कर सकते हैं, उसके बाद इस नट को सिर्फ आपको टाइट कर देना है इस हिसाब से, बस जगह पर रखें जितना पर आपको बजाने की सुविधा हो उस हिसाब से। ये इसको टाइट कर दिए, घंटी हिल नहीं रहा, उसके बाद बजा सकते हैं आराम से। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसे भी क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों कुछ अगर पूछना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। बाय दोस्तों, इसके बाद फिर नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मुलाकात होगी।